यशमा जी, आप जो है महिलाएं हैं, जो आपकी टीम है, इस चुनाव प्रचार में जुटे हुए, अपने घर बार को छोड़कर जुटे हुए, आखिर क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उनके कामों से खुश हैं और वो चाहते हैं कि फिर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। और हम गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, उसमें लोगों में बहुत ही उत्साह है कि इस बार भी मोदी जी ही जीतेंगे। तो आपका जो कैंडिडेट है यहाँ पर किशोर पाल गुर्जर, क्या मोदी की वजह से जीतेंगे या उस अपने काम की वजह से जीत हासिल करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं काम तो उन्होंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम से वोट बहुत जा रही है। किशोर पाल गुर्जर जी इस बार जरूर जीतेंगे, हम भारी मतों से उनको जिताएंगे। हम लोग गाँव घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो महिलाएं भी उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो चौधरी किशोर पाल गुर्जर जी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। गाँवों में जगह जगह विरोध भी हो रहा है किशोर पाल गुर्जर का, क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो देखो, ये तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी जिस वजह से लोग इतना वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो चेहरे को ना देख के मोदी जी के नाम को देख के कमल के उस पर ही बटन दबाएं। मेरी हाथ जोड़ के बस यही विनती है उन लोगों से। महिलाओं का इस बार वोट प्रतिशत कितना रहेगा, मतदान क्या कितना प्रतिशत मतदान करेंगी महिलाएं? इतना तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितना जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा ही महिलाएं, जहाँ जितना मैं घूम रही हूँ फिर रही हूँ उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर वोट सारी महिलाओं की किशोर पाल गुर्जर जी को ही जाएंगी, अन्यथा और किसी को नहीं। आप कहाँ कहाँ जा रही हैं आजकल? मैं मीसे गाँव गई हूँ। नहीं, वैसे ओवरऑल कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, मतलब उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ आपके संबंध हैं या पार्टी आपको भेज रही है? नहीं नहीं, मैं हम सब जगह जा रहे हैं, जहाँ पार्टी से मतलब नहीं है इसमें, हम लोग गांव-गांव जहाँ हमारा दिख रहा है, हमारा पूरा ऑल, हम उसमें स्टेट में अपने आप पूरे पलवल में जहाँ गांव है आसपास के सब जगह हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों में भी, हमारे आस पड़ोस के वैसे भी सब लोग हमें देख के बहुत खुश हैं और बीजेपी को ही जिताएंगे वो। गाँवों में हम भी गाँवों में जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच में रहेगा? प्रत्याशी तो मेरे ख्याल से अवतार भड़ाना जी हैं ही उनके सामने तो, लेकिन फिर भी हमें लगता नहीं अवतार भड़ाना जी जीत पाएंगे, हमारे किशोर पाल गुर्जर ही जीतेंगे।